हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीसी कोड्स के बारे में और बार कोड्स के बारे में। नॉर्मली हमको बार कोड्स जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं, एमआरपी बार कोड जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में एमआरपी बार कोड्स मैंडेटरी हैं, लगाना मैंडेटरी है। अगर आप अमेजोन पर सेल कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक एमआरपी बार कोड अपने प्रोडक्ट्स पर लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप यूपीसी कोड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ईएएन या ईटीसी कोई भी कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक बार कोड हमें जनरेट करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से इन कोड्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन पर लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आप किस तरीके से कोड्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बार कोड्स जो है वो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, आपका एमआरपी बार कोड हो या कोई भी कोड हो तो किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत पहले वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में बताया था कि आप इस वेबसाइट पर फ्री में बारकोड जनरेट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, उस टाइम यही वेबसाइट हुआ करती थी जहां पर आप एक फ्री में बारकोड जनरेट कर सकते थे। उसके अलावा इस जैसी और बहुत सारी वेबसाइट बाद में आ गई, न्यू वेबसाइट आ गई, क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन वेबसाइट्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये वेबसाइट्स पर आप फ्री में बारकोड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी कर सकते हैं जब आपके सिस्टम पर इंटरनेट काम कर रहा हो। आप विदाउट ऑनलाइन इन वेबसाइट्स पर कोड जनरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर आप एक ही कोड एक बार में जनरेट कर सकते हैं और एक लिमिटेड, मतलब आप एक लिमिटेड स्टाइल में ही कोड जनरेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मनचाहे तरीके से अपना लोगो लगा के या प्रोडक्ट की इमेज लगाकर बारकोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आपको इन वेबसाइट्स पर दिखा देता हूँ ये वेबसाइट्स किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से यहाँ पर बारकोड जनरेट होता है। तो देखिए, नॉर्मली यहाँ पर आप ईएएन देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एक ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर आप एक बार में एक ही बारकोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इन्हें क्लियर कर देता हूँ, दोनों वेबसाइट्स को, फिर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ जो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर बल्क में बारकोड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली जैसे हमें यूपीसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूपीसी चूज़ कर लेता हूँ। ये एक यूपीसी आ गया यहाँ पर, एक एग्जाम्पल के लिए आ गया, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर आप कुछ ऐड करना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लॉक इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूपीसी जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्केल है, आप कितना स्केल रखेंगे, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे मेक बारकोड के ऊपर तो इस तरीके से एक बारकोड जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ यूपीसीज हैं जो मैंने परचेज किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग 2000 यूपीसीज हैं, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने कहाँ से परचेज किए थे, और मैं आपको बता दूँ ये यूपीसीज काम नहीं करते हैं, तो आप अगर इनको कॉपी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, यूपीसी को इस तरीके से कॉपी। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये यूपीसी पेस्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ हम मेक बारकोड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट आ गया। यहाँ से मैं कोई भी बारकोड जो है इस तरीके से डाउनलोड कर सकता हूँ। ये बारकोड जो है बनकर आ गया, ये देखिए आप देख सकते हैं, बारकोड जो है ये बनकर आ गया। लेकिन इसमें कोई भी डिटेल ही नहीं है, कहीं पर कोई कोड शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन वेबसाइट्स में है। चलिए, यही यूपीसी में यहाँ से मैंने ऑलरेडी कॉपी किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं वेबसाइट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। ऐसी एक वेबसाइट ये है, तो यहाँ पर भी आप बारकोड इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ईएएन यूपीसी, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, यहाँ से हम यूपीसी टाइप चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यूपीसी ई और यूपीसी ए, ये दो टाइप हैं यहाँ पर, तो यूपीसी ए मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश वैसे तो ऑटोमेटिकली आ गया, देखिए यहाँ पर ये बारकोड आ गया। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप बारकोड जो है वो इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन दोनों वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में बारकोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। टाइप्स मैंने आपको बता दिए, साइड में हैं और बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आपको किस टाइप का बारकोड जो है वो बनाना है। चलिए, अब आ जाता हूँ मैं मेन सॉफ्टवेयर पर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि आप बारकोड्स किस तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है एक सॉफ्टवेयर लेबल जॉय, जिसके थ्रू आप बारकोड्स बहुत ही आसानी से अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एडवांस है। वो कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अलावा
लेबल जो है सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको गूगल से फ्री में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, फुल वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 5.1 है जो ये वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ लेबल जॉय का। और अभी करंट में इसका जो चल रहा है वो चल रहा है 6, तो 6 का आपको सर्वर वर्जन मिल जाएगा। और सर्वर का प्रॉब्लम क्या है कि वो विंडोज़ पर काम नहीं करता है प्रॉपरली। ठीक है, मैं उसको यूज़ कर चुका हूँ। तो लेबल जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप मेरे को मेरे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आइए, मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ से ये सॉफ्टवेयर आपको फुल वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये सॉफ्टवेयर काम किस तरीके से करता है। तो देखिए यहाँ पर मेजरमेंट है, पहले यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्रोजेक्ट है, आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ न्यू प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल, चलिए इसी को कर लेते हैं, लेआउट एग्जिस्टिंग, यही मेरे को चाहिए। ओके, ऐसे ही मैं कर देता हूँ, यस, चलिए ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लेबल्स हैं। अभी यहाँ इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है कि यहाँ पर आप बल्क में लेबल्स इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अलग अलग तरीके के बारकोड्स बना सकते हैं, MRP से लेकर सारे बारकोड्स इसके ऊपर बना सकते हैं, चाहे आपका UPC हो, EAN हो, कोई भी हो। ठीक है, आप कोई भी बारकोड इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। आपको लेआउट अलग चूज करना पड़ेगा, टाइप अलग चूज करना पड़ेगा और आप बारकोड बना पाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है, आप लेआउट चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया UPC, तो UPC में इसने दो मेरे को टाइप दिखा दिए। ठीक है, कौन सा टाइप आपको चूज करना है, चलिए इसको मैं लेकर देखता हूँ ये कैसा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइप जो है UPC का वो बिल्कुल चेंज हो गया। और आगे अभी मैं इसको सही, इसको अंडू करना चाहूँ बैक, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसको इसी तरीके से रहने दूंगा। मैंने आपको दिखा दिया कि आप लेआउट किस तरीके से कहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए और एक बार लेआउट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनुअल सर्च का, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बहुत सारे लेआउट यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से लेआउट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सबसे अच्छा होगा कि इसके लिए आप गूगल पर एक बार सर्च कर लें, तो आपको लेआउट का समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा लेआउट कहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, देखिए मैंने प्राइस डाला, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं प्राइस मार्किंग लेबल आ गया ऑटोमेटिकली। तो आप इस तरीके से प्राइस लेबल भी यहाँ पर आपका अपना MRP वगैरह जनरेट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये तो सिर्फ मेरे को आपको दिखाना था कि आप किस तरीके से कोई भी बारकोड इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, मतलब लेआउट के बारे में आप कोई भी लेआउट किस तरीके से चूज कर सकते हैं। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से बारकोड अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, मान लीजिए यही बारकोड में मेरे को चेंजेस करने, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए सबसे पहले मेरे को एक इमेज लगानी है, तो ये ऑप्शन मैं यहाँ चूज करूँगा और यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये इमेज आ गई और यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगा, तो फाइल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लोगो आ गए अलग अलग। तो मैं लोगो चूज कर लेता हूँ कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ये लगाना है या ये लगाना है, कोई भी एक लगा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की इमेज भी लगा सकते हैं और अपने ट्रेडमार्क का लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी लोगो लगाया है बारकोड के अंदर। अभी यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल लॉक, ये मैंने लॉक लगा दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, आप जो भी यहाँ ऐड करना चाहें टेक्स्ट वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इधर उधर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये यहाँ चाहिए तो मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारे बारकोड्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो अपने हिसाब से आप टेक्स्ट को, बारकोड को, किसी को भी इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब कोड पर आ जाते हैं, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी लेबल जो है लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक कोड जो है वो दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं कोड इस तरीके से एंटर कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कोड आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कोड टाइप आ गई, आपको किस टाइप का कोड यहाँ पर चाहिए, यहाँ से आप कोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मुझे UPC कोड चाहिए, तो ओके, मैंने कोड टाइप जो है वो चेंज कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं ये UPC में चेंज हो गया। ठीक है, इसको मैंने UPC में चेंज कर लिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग कोड्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी बटन, टेक्स्ट बटन, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल है,
इसके अलावा बारकोड कलर आपको कैसा चाहिए, जैसे ये ब्लैक है तो बारकोड कलर अगर आपको कोई और चाहिए, मान लीजिए मैं इसको रेड कर देता हूँ तो ओके, तो ये रेड हो जाएगा इस तरीके से बारकोड कलर। डबल क्लिक करेंगे इसमें हम और भी बहुत सारे चेंजेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ओके ओके। अभी मान लीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड कलर मैं लगा सकता हूँ इस तरीके से। तो इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन जो है मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको फिर से बता दूँ 5.1 है, लेबल जो है 5.1। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए हो, इसके बारे में जानना हो, तो आप मेरे को ग्रुप के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और प्रिंट करना भी बहुत आसान है। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मैं सीधे क्यूट पीडीएफ बना लेता हूँ, मैं सीधे इसकी एक पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ, आपको एक पीडीएफ बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं आ गया और मैंने यहाँ पर इसका टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर टेस्ट टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट टेस्ट सेव, ठीक है। देखते हैं ये पीडीएफ काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सारे लेबल जो है वो बन चुके हैं, मतलब अगर मेरे को ये बारकोड्स चाहिए होते तो मेरे बारकोड्स जो है वो पूरे तरीके से तैयार हैं, बस मेरे को इनको प्रिंट करना है। और मैं आपको प्रिंट करने के बारे में भी बता देता हूँ, आप बारकोड किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए बारकोड प्रिंट करना बहुत ही आसान है, बारकोड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बारकोड प्रिंटर परचेज करें, क्योंकि बारकोड प्रिंटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। इसके अलावा बारकोड प्रिंटर उन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। अब अगर आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं है, लिमिटेड स्टॉक है, छोटा स्टॉक, यानी कि आपने अगर अभी अभी शुरुआत की है, तो आपको बारकोड प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बारकोड प्रिंटर के लिए आपको रोल वगैरह सब कुछ अलग से लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके के बारकोड्स आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान होता है। एक ग्लू पेपर आता है जिसके ऊपर आप बारकोड्स निकाल सकते हैं। अगर आप लेजर जेट के थ्रू बारकोड निकाल रहे हैं तो आप गैप कर प्रिंट निकालिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेजर जेट पर इस पेज का प्रिंट चाहिए, तो मैं ग्लू पेपर लगाऊंगा उसमें और एक बार में एक प्रिंट निकालूंगा, उसके बाद लगभग 30 सेकंड का या एक मिनट का टाइम दूंगा लगातार मेरे को लेजर जेट में ये प्रिंट्स नहीं निकालने। क्यों? देखिए लेजर जेट के अंदर क्या होता है कि हमारे प्रिंट्स जो है वो पकते हैं, ठीक है, अंदर उसके हीटर चलता है। तो जब हम उसके अंदर ग्लू पेपर डालते हैं, ग्लू हीटर की वजह से एक टेम्परेचर के बाद पिघलने लगता है और ग्लू हमारा जो है वो लेजर जेट प्रिंटर को ख़राब कर सकता है। इसीलिए गैप देकर लेजर जेट प्रिंटर के अंदर से प्रिंट निकालने चाहिए अगर आप ग्लू पेपर पर प्रिंट निकाल रहे हैं। सबसे बढ़िया होता है आप इंक जेट प्रिंटर पर इसके प्रिंट्स जो है वो निकाल सकते हैं, और इंक जेट प्रिंटर बहुत ही सस्ते सस्ते आते हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो इंक जेट प्रिंटर पर, तो आपके 10 रुपये खर्च होंगे मात्र, लेकिन आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएंगे या रिस्क लेने से बच जाएंगे। आप इसका एक इस तरीके से पीडीएफ सेव कर लीजिएगा, कहीं साइबर कैफे में जाइएगा और वहाँ पर पहले एक अपने साथ एक ग्लू शीट ले जाइएगा और वहाँ पर पहले एक इंक जेट पर प्रिंट निकलवा कर देखिएगा कि किस तरीके का प्रिंट आ रहा है, आपके काम का है या नहीं है। अगर आपके काम का है तो आप इंक जेट प्रिंटर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से बारकोड्स जो है वो बना सकते हैं। कोई भी बारकोड बनाइए, खूब बनाइए, अनलिमिटेड बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कोड्स के बारे में कि आप यूपीसी कोड्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ebay.com पर, चलिए हम चलते हैं साइट पर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ebay.com ओपन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे यूपीसी कोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐसे भी यूपीसी कोड्स मिल जाएंगे जो 10,000 हैं, 2,000 हैं, मतलब 70 रुपये में कोई आपको 2,000 दे रहा है, 70 रुपये में कोई आपको 1,000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देने वाले यहाँ पर 356 रुपये में मात्र 85 दे रहा है, ठीक है। तो देने वाले इस तरीके से भी दे रहे हैं, अलग अलग सेलर हैं, सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 855 रुपये में 200 कोड्स दे रहा है मात्र ये, ठीक है। तो यहाँ पर देने वाले इस तरीके के भी हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे यूपीसी विक्रेता मिल जाएंगे जो सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर दोस्तों दिखाया, ये यूपीसी मैंने
लगभग 100 रुपये में परचेज किए हैं, 2000 कोड्स हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये यूपीसी कोड्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम दोस्तों क्या होती है, ebay.com पर सेल होने वाले ज़्यादातर यूपीसी कोड्स जो हैं वो फेक हैं, ये अमेजोन इंडिया पर काम नहीं करते। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोड मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, अगर आप चाहें तो कोई भी कॉपी करके खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोड काम कर जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है, ये वाले जो कोड आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं एक कोई भी कोड यहाँ से ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से ये मैंने कॉपी किया। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजोन ओपन है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी में मैंने चूज कर लिया यूपीसी, ये आपको दिखाने के लिए है कि ebay.com पर किस तरीके के कोड मिलते हैं। पेस्ट किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी द वैल्यू स्पेसिफाइड इज इनवैलिड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये यूपीसी कोड जो है ये गलत है, ये अमेजोन इंडिया में मान्य नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो ebay.com पर आपको मैक्सिमम इसी तरीके के दोस्तों यूपीसी कोड मिलेंगे। अब मेन बात क्या है, और मैं आपको बता दूं, मैंने अलग अलग सेलर्स से बहुत सारे यूपीसी कोड इस तरीके के परचेज किए हुए हैं जो काम नहीं करते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो है ebay.com पर डाला हुआ है, वो काम नहीं करता है, हालांकि मैंने बाद में रिफंड करा लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको रियल यूपीसी कोड्स कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट जहाँ से आप रियल यूपीसी कोड ले सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक यूपीसी कोड हम कम्प्लीटली फ्री देते हैं। आपको करना क्या है, आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है और यहाँ पर आपको क्लेम करना है। तो मैं आपको एक यूपीसी कोड कम्प्लीटली फ्री दूंगा ये टेस्ट करने के लिए कि यूपीसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप शुरू में टेस्ट करने के लिए मात्र 10 यूपीसी यहाँ से 10 रुपये में परचेज कर सकते हैं, मतलब 10 यूपीसी कोड परचेज करिए। अगर आपको लगता है यूपीसी कोड सही हैं तो आप आगे चेक करिए। इसके अलावा अगर आपके 10 यूपीसी कोड भी काम नहीं करते तो हम पूरा पैसा आपको वापस कर देंगे। हमने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम पहले टीम व्यूअर पर या उसके स्नैपशॉट वगैरह लेकर आपसे कन्वर्सेशन करके पहले चेक करेंगे कि यूपीसी कोड में आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर यूपीसी कोड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक एरर और आता है। मैंने जैसे आपको यहाँ पर दिखाया, इसका मतलब तो होता है कि ये कोड बिल्कुल गलत है, ये एरर बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यूपीसी कोड बिल्कुल गलत है। इसके अलावा एक एरर और आता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये एरर देख सकते हैं, इस एरर को भी गौर से देख लीजिए, ठीक है। इस एरर का मतलब होता है कि आपके यूपीसी कोड में प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूपीसी कोड बिल्कुल सही है, लेकिन अमेजोन ने आपको यूपीसी कोड यूज़ करने के लिए ब्लॉक किया हुआ है। इसके लिए स्पेशली क्या होता है कि मतलब आप यूपीसी कोड के थ्रू अपनी लिस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरीके से एरर आ रहा है, दैट इज मीन आपको यूपीसी इनेबल कराना पड़ेगा अमेजोन से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका यूपीसी सही है, आप यूपीसी के थ्रू अमेजोन पर लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, आपको पहले अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो एक ये एरर है जिसका मतलब ये है कि आपका यूपीसी सही है लेकिन आप लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं यूपीसी के थ्रू। तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, बस आपको सेलर सपोर्ट से बात करनी और आपका यूपीसी सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा, प्रोडक्ट आईडी में यूपीसी काम करने लगेगा, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और एक ये है, इसका मतलब ये है कि आपका यूपीसी बिल्कुल गलत है जो काम करेगा ही नहीं। तो दो तरीके के एरर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आप हमारी वेबसाइट से यूपीसी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत ही अच्छे रेट में यूपीसी दे रहे हैं, 200 यूपीसी मात्र 70 रुपये में है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं, इसके अलावा हम फ्री यूपीसीज भी देते हैं, यानी कि 200 यूपीसी अगर आप परचेज करते हैं, इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम आपको 40 यूपीसीज और फ्री देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दोस्तों रिव्यूज़ देख सकते हैं, 9 रिव्यूज़ हैं जो आप यहाँ पर जेन्युइन बायर्स के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूपीसीज दोस्तों चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए और यहाँ पर एक यूपीसी का क्लेम करिए। सबसे पहले जो फ्री में मिल रहा है वो लीजिए, उसको टेस्ट करिए और बाद में पैसा इन्वेस्ट करिए। ग्रुप आप यहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, आप जब हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, यानी कि जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, तो दोस्तों आप यहां पर देखिए, यहां पर लिंक है टेलीग्राम का, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा इस तरीके से, तो आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। यहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और देखिए ये लिंक प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज मीन कोई ना कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, या तो सीधी सी बात यह है कि आप हमारे पहले ग्रुप में
रह चुके हैं और आप निकाले जा चुके हैं एडमिन के थ्रू यानी कि मेरे थ्रू, इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वरना आप यहाँ पर सीधे लाइव देख सकते हैं लिंक जो है वो काम कर रहा है। अभी फिलहाल इतने मेंबर हैं और इतने ग्रुप में मेंबर जो है वो लाइव हैं, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू आप सीधे हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके से ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप मेरे से बात कर सकते हैं और एक यूपीसी आप अपना क्लेम कर सकते हैं जो मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री। आप उसको यूज़ करके देखिए, अगर आपको पसंद आए, हमारे यूपीसी सही लगें, तो आप बाद में हमसे हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहा यूपीसी, सीधे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ से यूपीसी जो है वो परचेज कर पाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।